हेलो फ्रेंड, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये बस एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। बहुत लोग हिमाचल की खूबसूरती को देखकर यहाँ पर बसना चाहते हैं, खासकर आउटसाइडर नॉन हिमाचली, जैसे दिल्ली के हो, उत्तर प्रदेश के हो, महाराष्ट्र के हो या किसी भी अन्य राज्य से हो, तो सबके मन में एक दुविधा रहती है। यदि वो आउटसाइडर है, हिमाचली नहीं है, तो हिमाचल प्रदेश में वो लैंड खरीद सकते हैं कि नहीं, घर ले सकते हैं कि नहीं, और क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या दिक्कतें हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि मैं भी मनाली में काफ़ी दिनों से रह रहा हूं। तो क्या क्या दिक्कतें आती यहां पर लैंड लेने में या प्रॉपर्टी लेने में, सारी डिटेल मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। यदि आप हिमाचल में लैंड लेना चाहते हैं और यदि आप नॉन हिमाचली है, तो हिमाचल प्रदेश में 1972 में एक लैंड एक्ट बना था, जिसमें सेक्शन है 118। सेक्शन 118 एक तरह से प्रिवेंट करता है नॉन हिमाचली को, जो आउटसाइड ऑफ हिमाचल प्रदेश के हैं, हिमाचल प्रदेश में ज़मीन खरीदने से या प्रॉपर्टी खरीदने से। फिर भी इसमें कुछ क्लाउज हैं, कुछ कंडीशन है, जिसको फॉलो करके आप यहाँ पे छोटा सा लैंड खरीद सकते हैं। उसको बेच नहीं सकते हैं, खरीदने के बाद सिर्फ अपने पर्सनल यूज के लिए आप खरीद सकते हैं। आप इंड यूज़र हो, उसी पर्पस के लिए आपको ये लैंड मिलेगा। तो उसके क्या नियम कानून हैं, तो पहला है, यदि आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो उसके लिए आपको सेक्शन 118 फॉलो करना पड़ेगा। सेक्शन 118 क्या बोलता है कि आपको सबसे पहले जो लैंड होना चाहिए वो म्यूनसिपल एरिया में होना चाहिए। म्यूनसिपल एरिया का मतलब कि नगरपालिका क्षेत्र के अंदर होना चाहिए वो ज़मीन, पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वो नहीं आना चाहिए। तो नगरपालिका मतलब जिला के नगरपालिका के अंदर आप 500 स्क्वायर फिट ज़मीन खरीद सकते हैं रहने के लिए, रहने पर्पस के लिए। पंचायत के अंदर वो नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी आपको हिमाचल गवर्नमेंट से सेक्शन 118 के अंतर्गत परमिशन लेनी पड़ेगी। और एक ध्यान देने की बात ये है कि परमिशन में काफ़ी टाइम लगता है, ज़्यादातर केस में परमिशन नहीं मिलता है, बहुत कम केस में ही परमिशन मिलता है। और दूसरी बात, यदि आप नगरपालिका में ज़मीन ले रहे हो तो लैंड मिलना बहुत मुश्किल बात है, खासकर पहाड़ों में छोटे छोटे तो जगह होते हैं, तो लैंड खरीदना बहुत ही दिक्कत वाली बात है। और यदि मिल भी जाए तो इतना महंगा मिलेगा कि आम आदमी तो खरीद ही नहीं सकता। ज़मीन करोड़ों में होंगे वो प्रॉपर्टी, चाहे लैंड हो चाहे उसके ऊपर मकान बना हुआ, पूरा प्रॉपर्टी लेंगे आप तो बहुत ही कॉस्टली होगा, तो आम आदमी के रेंज से तो वो काफ़ी बाहर है, पैसे वाले ही खरीद सकते हैं। तो हाँ, लैंड खरीद सकते हैं नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत, लेकिन फिर भी वो काफ़ी मुश्किल है परमिशन मिलने में। और यदि परमिशन मिल जाए तो आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी तो यहाँ पर काफ़ी महंगी ही मिलेगी। पहला तो था कि ज़मीन कैसे खरीद सकते हैं, दूसरी बात करें कि आप फ्लैट कैसे खरीद सकते हैं। तो फ्लैट के लिए भी वही नियम कानून है, आपको परमिशन लेना पड़ेगा सेक्शन 118 के अंतर्गत, यदि आप नॉन हिमाचली हैं, और वो फ्लैट भी नगरपालिका क्षेत्र के अंदर आना चाहिए, जिला क्षेत्र के अंतर्गत आना चाहिए, मतलब म्यूनसिपल एरिया के अंतर्गत आना चाहिए, तभी आपको इजली शायद परमिशन मिल जाए। यदि पंचायत के अंतर्गत आती है वो तो बहुत दिक्कत होगा परमिट मिलने में, परमिशन मिलने में। और ये सीधा आपके नाम पे रजिस्ट्री हो जाएगी, फ्लैट या लैंड लेते हो आप म्यूनसिपल एरिया के अंतर्गत। अब दूसरी बात करें, यदि पंचायत के अंतर्गत लेना हो तब क्या किया जा सकता है। यदि पंचायत के अंदर ज़मीन लेना हो या प्रॉपर्टी लेना हो, तो उसके लिए भी सेक्शन 118 की परमिशन ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादातर केस में तो परमिशन नहीं मिलती है। यदि आप पैसे वाले हो, रसूखदार हो, पॉलिटिशियन से, नेताओं से जान पहचान है, तो शायद आपको परमिशन मिल जाए,
वहाँ पर 600 स्क्वायर फीट की जमीन आप ले सकते हैं और साथ ही साथ कोई प्रॉपर्टी या फ्लैट भी। अब तीसरी बात करें, आप प्रॉपर जमीन या प्रॉपर्टी कैसे ले सकते हो। यदि आप हिमाचल प्रदेश के किसी लड़की से शादी करते हो और उसके नाम पर खेती वाली जमीन है, तो आप उसके नाम पर यहाँ हिमाचल प्रदेश में जमीन ले सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, अपार्टमेंट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन वो हिमाचली होनी चाहिए और उसके नाम पे खेती वाली जमीन का कोई ना कोई टुकड़ा होना जरूरी है, तभी वो जमीन ले सकते हैं। फिर भी आप अपने नाम पे नहीं ले सकते हैं, आप सिर्फ अपने वाइफ के नाम पर ही जिनसे शादी करेंगे, जमीन हो, घर हो या प्रॉपर्टी हो, आसानी से मिल जाएगी, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तीन तरीके हैं आसानी से यहाँ पर लैंड और फ्लैट खरीदा जा सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफ़ी दिक्कत है लैंड और फ्लैट या प्रॉपर्टी खरीदने में। इससे बेहतर जगह तो उत्तराखंड है, जहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप लैंड ले सकते हैं, जितना लैंड चाहिए फ्लैट ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं जितना चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सेम हिमाचल प्रदेश जैसा ही एटमॉस्फेयर है उत्तराखंड का, तो वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है डायरेक्ट इन्वेस्ट करने के लिए और अपने नाम पर लैंड या फ्लैट या प्रॉपर्टी लेने के लिए।